नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं स्टडी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का स्वागत है काउंसलिंग वाला पे, क्योंकि अब हम लोगों ने काउंसलिंग वाला का एक सेपरेट चैनल बना दिया है। एक अलग टीम होगी जो फाइनली आपके करियर ओरिएंटेड वीडियोस, जॉब ओरिएंटेड वीडियोस और काउंसलिंग ओरिएंटेड वीडियोस ही बनाएगी। ये चैनल टोटली डिफरेंट होने वाला है और मैं चाहूंगा कि जब कोई एक अच्छा सा घर बनता है तो उसका जो शुरुआती समय होता है, हम लोग उस घर को बड़े प्यार से बनाते हैं, तो जो मेंबर्स होते हैं वो स्टार्टिंग के समय के जो होते हैं, मैं चाहूंगा आप उसी के हिस्सा बन जाओ। फिर धीरे धीरे तो परिवार बहुत बड़ा होने वाला है, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी जाएं और इस चैनल को भी उतना ही प्यार दें, उससे ज्यादा जितना आपने सिटी पाठशालाओं को दिया। बात यह भी है कि हम लोगों ने ऑनेस्टली बहुत ही ज्यादा संख्या में, इनडायरेक्टली तो कम से कम लाखों और डायरेक्टली कम से कम 20,000 बच्चों को काउंसलिंग में मदद किया है। तो चाहते हैं कि प्लीज इस प्लेटफॉर्म को इतना आगे बढ़ाओ कि आने वाली जनरेशन को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले, पर्टिकुलर इस काउंसलिंग वाला के माध्यम से। सो प्लीज जाएं और सब्सक्राइब करें, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं आपको आपके सामने सब्सक्राइब करता हूं अपने आईडी से, ठीक है। सो फाइनली आई सब्सक्राइब दिस न्यू चैनल सीओटी पाठशाला का दूसरा काउंसलिंग वाला, तो मैं चाहूंगा कि प्लीज आप भी जाके सपोर्ट करें। आपके लिए एक अपडेट है, ठीक है। बेसिकली वो अपडेट ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने आए थे। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो देश के कोने कोने से काशी विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, बीएचयू में पढ़ना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, अपना स्वर्णिम भविष्य बनाना चाहते हैं। तो फाइनली उनका पीजी काउंसलिंग कंप्लीट ऑलमोस्ट होने वाला है, मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, 4 को एंड होने वाला है और उसके बाद फाइनली उसका फाइनल रिजल्ट आएगा। हाँ, लेकिन इसी बीच उन्होंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया है। ये बीएचयू का एक ऑफिशियल नोटिस है जहां पर ये बात बताई जा रही है कि अब आपको अपने घर से विदा लेने का समय आ गया है और एक दूसरे परिवार का हिस्सा बनने का समय आ गया है। बीएचयू ऑनेस्टली सेइंग एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, कहा जाता है कि मालवी जी का बगिया है। यहाँ पे तरह तरह के फूल खिलते हैं और ये फूल हम सब हैं, हम आप और बहुत सारे लोग जो कि खिलते हैं अलग अलग जगहों से आके, अलग अलग रंग रूप होता है, अलग अलग खुशबू होती है और हम सब मिलके बनाते हैं इस मालवी जी के बगिया को। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज ये आप कभी मत भूलना, मुझे अच्छे से पता है, मुझे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं और कुछ को तो मैं नहीं भूल पाता और बहुत सारे मैं भूल भी जाता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपनी यहां ऐसी पहचान बनाना कि मैं जरूर आपको याद रखूं। और ये पहचान बनाई जा सकती है आप अपने अच्छे मन की भावनाओं से, अपने अच्छे मेहनत से आप अपना भविष्य बना सकते हो, क्योंकि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलता। मैं इतना लेक्चर इसलिए दे रहा हूं ना क्योंकि अब लगभग ऑलमोस्ट हम लोग अपने अंतिम पड़ाव पे हैं काउंसलिंग के। अब मेरा 2025 का नया बैच आ जाएगा, फिर मैं नए बच्चों को पढ़ाने लगूंगा, फिर नए बच्चे हमसे मिलने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है। लेकिन ध्यान देना कि काउंसलिंग वाला सब्सक्राइब कर लोगे तो हमारा रिश्ता यहीं तक, वो है ना, तेरा मेरा रिश्ता है पुराना, तो ऐसा हम लोग का रिश्ता चलेगा आगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज सब्सक्राइब करना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आप अगर बने रहोगे हमारे साथ तो हम लोग आगे बहुत सारा चीज करेंगे, अभी मीटअप करेंगे, बहुत सारे करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम करेंगे, ओरिएंटेशन क्लास चलाएंगे, तो ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और परिवार का हिस्सा बने रहें। और इस मालवीय जी के बगिया में अगर आ रहे हैं तो ध्यान देना कि आपके कदम भटकने नहीं चाहिए। आप जिस उद्देश्य से इस मालवीय जी के बड़े से गेट प्रवेश द्वार के थ्रू इस बगिया में आ रहे हो ना, कभी भूलना मत आप किस उद्देश्य से आए हो, अपना उद्देश्य मत भूलो। बाकी यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, ये शहर ही ऐसा शहर है, इतना जीवंत शहर है जहां से कहा जाता है कि जीवन को मोक्ष मिल जाता है, जीते जी मोक्ष मिल जाता है। आप एक बार काशी में आओ और यहाँ की चीजों को आप शांति से महसूस करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, सच में ये शहर बाकी शहरों से बहुत ही डिफरेंट है। इवन पृथ्वी पे शायद ऐसा आपको दूसरा कहीं किनारा ना मिले जहां पे आपको इतने सुकून मिल सके। ठीक है, तो हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं। स्टार्ट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर पीजी क्लासेस फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25। ध्यान देना कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है ऑलरेडी अपना पर्सनल नोटिफिकेशन डाला, बच्चे आके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा भी लिए। ये एक जनरलाइज्ड बच्चों के लिए है, यानी सबके लिए है, जहां से कोई नोटिफिकेशन नहीं भी मिला तो फाइनली अब आप आके शिफ्ट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे हॉस्टल को लेके पैनिक है, ध्यान देना कि फर्स्ट राउंड के बाद जो बच्चे हैं उन्हें हॉस्टल्स मिलने के चांसेस कम होते हैं, पीडब्ल्यू को छोड़ के और आरजीएससी को छोड़ के। तो ऐसे में आप लोग प्राइवेट हॉस्टल्स वगैरह अरेंज करोगे और ये हॉस्टल्स कहाँ मिलेंगे तो डिस्कशन में लिंक है हॉस्टल वाला। समझो कि हम लोग आपकी मदद कहां तक कर रहे हैं भाई, तैयारी कराए, तैयारी के बाद फिर फाइनली आपकी काउंसलिंग में पूरी आपकी हेल्प की, उसके बाद फाइनली आप यहाँ पे आने वाले हो तो आपको हॉस्टल वाले के थ्रू हॉस्टल के लिए पूरी प्लानिंग की जा रही है कि हाँ बच्चे भटके ना, परेशान ना हो। तो समझ लो ना कि जो टीम कर रही है इसके लिए ना, उनका शुक्रगुजार मुझे होना पड़ेगा, होना चाहिए कि वो आपके लिए इतना कुछ करिए मेरे कहने पे। तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें इस चैनल को, कोई इस तरीके से इतना दिल से नहीं लगता है किसी के लिए जितना हम लोगों ने सच में शिद्दत से करी है।
तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म को बहुत बड़ा बनाएंगे और आगे ले जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ध्यान देना कि कौन सी डेट दी जा रही है, 8 से 10 अगस्त तक आपको अपने अपने डिपार्टमेंट में जाके फाइनली ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। ध्यान देना है, कोई पैनिक डेट नहीं है आप, लेकिन कोशिश करो कि इस बिटवीन में जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना, ठीक है, कोई पैनिक नहीं है। और ये एकेडमिक कैलेंडर, ठीक है, आपको फर्दर फॉलो करना पड़ेगा जो कि आने वाला है। तो ये इस तरीके से आपके पास है, ध्यान देना कि ये एमएमबी के लिए भी है, ठीक है, और डिपार्टमेंट के लिए भी है, और एफिलेटेड वालों तो लोने एफिलेटेड कॉलेजेस ने तो अपना ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकाला भी, उन्होंने अपना गूगल फॉर्म भी भरवाया कुछ। तो देखो अब यहाँ पे ना ओवरऑल इतना समझ जाओ ना कि आप आ जाओ बनारस में, दो तीन दिनों में आ जाओ, अपने हॉस्टल्स वगैरह शिफ्ट कर लो, अपने डिपार्टमेंट में जाओ। भाई मैं कम से कम 15-20 दिन तक मैं घूमता था अपने डिपार्टमेंट बीएचयू को समझने की कोशिश करता था। यहाँ के अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है रूट्स वगैरह का, सब रास्ता एक ही जैसा लगता है। तो आप भी आके भटको थोड़ा ना, जब भटकोगे तब तो सही राह पे पहुंचोगे। तो प्लीज जल्दी से आओ और आनंद लो इस कैंपस का, ठीक है। और बहुत सारी बातें मैं करूंगा आप लोगों से, जब मिलना कैंपस में तो होगी बहुत सारी बातें, ठीक है। बस मिठाई लेके आना मेरे लिए, बाकी मैं मिठाई खिला दूंगा। तो मुस्कुराते रहे, बहुत से शुभकामनाएं। आप सपोर्ट के तौर पे काउंसलिंग वाला जरूर सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज एवरीवन डू लाइक डू शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। बोलिएगा हर हर महादेव।